छतरपुर के सटई रोड पर छुई खदान के समीप रहने वाले राम प्रसाद शर्मा के परिवार द्वारा वार्षिकी तिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक आयोजन किया जा रहा है। 25 से 31 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में कथा व्यास आचार्य कृपा शंकर महाराज चित्रकूट से पधारे हैं। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक उनके द्वारा कथा कही जा रही है। आयोजक पंडित राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि 25 अगस्त को कलश यात्रा हुई और इसके बाद 26 अगस्त को दूसरा दिन था। शुक्रवार को ब्रह्मबोध चरित्र की कथा सुनाई गई। यह कथा 31 अगस्त तक चलेगी। 1 सितंबर को हवन एवं अखंड रामधुन बैठकी और 2 सितंबर को पूर्णाहुति के साथ भंडारा होगा। शर्मा परिवार का आयोजन है छतरपुर सटई रोड में छुई खदान के पास में चल रहा है कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। स्वर्गीय श्री राम सखी शर्मा जी के वार्षिक पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें छतरपुर के सभी रसिक भक्तजन उपस्थित हो रहे हैं, सभी इसका लाभ ले रहे हैं। विशुद्ध कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा विद्वानों का ग्रंथ है, परमहंसों की संहिता है। भागवत कथा कोई चुटकुला नहीं है, ना राजा रानी तोता मैनी की कथा है। इसलिए विशुद्ध जो कथा के श्रोता हैं दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित होकर के कथा का रस प्राप्त कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज कथा का प्रसंग श्री सुखदेव जी के दिव्य उपदेश के रूप में हुआ। कल का प्रसंग जो है परीक्षित जी के जन्म कर्म का चरित्र सुनाया जाएगा और सभी चरित्र भीष्म पितामह जी आदि का चरित्र होगा। इसके बाद में परसों श्री कृष्ण जन्म की लीला होगी, कृष्ण जन्म चरित्र होगा। ऐसे ही ये कथा 25 तारीख से 31 तारीख तक कथा का जो आयोजन है 31 तारीख तक चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा में सभी लोग उपस्थित, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनमानस है छतरपुर वासियों के लिए निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी हैं कथा को जरूर श्रवण करने के लिए आएँ। 7 दिनों तक आप लोगों को अपार आनंद प्राप्त होगा। व्यासपीठ की तरफ से आप सभी के लिए खुला आमंत्रण, आयोजक परिवार की तरफ से भी खुला आमंत्रण है, आप सभी लोग पधारें। जय श्री राधे, जय श्री। हमारे यहाँ आज कल से 25 तारीख से 31 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और ये हमारी हमारी मम्मी थी माता जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज कल उसकी कलश यात्रा थी और आज द्वितीय दिवस, जिसमें हमने आज ब्रह्मभूत चरित्र का प्रसंग का दर्शन किया और साथ साथ हमने नारद जी के द्वारा जो भक्ति रस कैसे अपने अंदर धारण किया जाए उसके बारे में उसका दर्शन किया है। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं, छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा, छतरपुर के लिए वरदान 24 घंटे भर्ती की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा, 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टीवीएस शोरूम के पास, होटल ला कैपिटल के नजदीक, पन्ना रोड, छतरपुर।